हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्कोप स्कार्ड पे आपका स्वागत है। मुझे क्रिप्टो करेंसी की लाइन में ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हैं और आज मैं आपके साथ क्रिप्टो करेंसी की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। एज यू ऑल नो, एवरी ग्लोरी हैज अ स्टोरी। जैसा कि आपको पता है कि हर इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी काफी सारी मेहनत एंड एफर्ट्स होते हैं, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी ही अच्छी लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग मेरी स्टोरी से मोटिवेटेड होकर कुछ अचीव करें। सो आई ऑल्सो फील प्राउड कि आई हैव चेंज्ड फ्यू पीपल लाइफ। तो चलिए शुरुआत शुरू करते हैं मेरी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी की। बैक इन 2017 माई मामा टोल्ड मी अबाउट बिटकॉइन एंड सजेस्टेड मी टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बट आई टोल्ड हिम दैट आई थिंक इट इज अ फेक करेंसी, बट ही टोल्ड मी दैट इट इज नॉट अ फेक करेंसी बट इट इज अ वर्चुअल करेंसी एंड ही टोल्ड मी इट्स वैल्यू वॉज ऑन इंक्रीजिंग एज द पीपल स्टार्ट अडोप्टिंग इट। अगस्त 2017 में मैंने जेप्पे एक्सचेंज के थ्रू 10,000 रुपये बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए। उस टाइम बिटकॉइन का जो प्राइस था वो लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास था। जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया, विद इन 1 और 2 डेज जो उसका प्राइस था वो 2.5 लाख आ गया और लगभग 2 महीने तक जो प्राइस है 2.5 लाख के आसपास ही स्टेबल रहा। अराउंड नवंबर 2017 के एंड में मैंने देखा कि बीटीसी के प्राइस में मूवमेंट होने लगी और जो बीटीसी का प्राइस था वो 7-8 लाख की रेंज में आ गया और जो मैंने 10,000 इन्वेस्ट किए थे वो 26,000 रुपये हो गए। मैंने इसको सोल्ड कर दिया। मैं ये देखना चाहती थी कि पैसे आते भी हैं या नहीं। विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली और पेमेंट जो थी वो कुछ ही आवर्स में मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई बुक्ड माई फर्स्ट एवर प्रॉफिट इन क्रिप्टो। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं कोई और करेंसी चूज़ करती हूँ जिसकी वैल्यू अभी कम हो लेकिन उसकी भी बिटकॉइन जैसी वैल्यू होने के चांसेस हो। तो उस टाइम पे मैंने चूज़ किया XRP रिपल को। फ्रेंड्स, दिसंबर 2017 में XRP रिपल कॉइन का काफ़ी क्रेज़ था। इसकी रैंकिंग टॉप 5 कॉइन्स की रैंकिंग में आती थी और इसका जो प्राइस था वो 15-20 रुपीज़ के आसपास था। उस टाइम पे ये कॉइन जेप्पे पे लिस्ट नहीं था पर और दो साइट थी, कॉइन एक्स एंड कॉइन डेल्टा, जहाँ पे ये कॉइन रजिस्टर लिस्टिंग था। तो मैंने वहाँ पे अपनी KYC अप्लाई करी तो उसका प्राइस 35 रुपीज़ के आसपास था। जैसे मेरी KYC कंप्लीट हुई तब तक इसका प्राइस 60 रुपीज़ के आसपास आ गया और जब मैंने इनको बाय किया तो इसका प्राइस उस टाइम 68 रुपीज़ के आसपास था। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 डेज़ में इसका प्राइस 150 रुपीज़ के आसपास गया। मैंने तो अपने सारे के सारे रिपल सेल कर दिए थे पर इसका प्राइस जो है वो 250+ होके मतलब आया वापस। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 15 रुपीज़ वाला रिपल था वो 17 गुना बढ़ गया विद इन 1 वीक के अंदर अंदर। फ्रेंड्स, मैंने 15,000 रुपये लगाए थे और जो मेरे पैसे थे वो 38,000 रुपये हो गए थे। और आई स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। उन दिनों रिपल कॉइन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था और इसका प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ आ गया था और उसके बाद एक इसने रेंज बाउंड मूवमेंट क्रिएट कर ली थी और इसका प्राइस 20 रुपये से सॉरी 25 रुपीज़ से 60 रुपीज़ के आसपास ही घूमता रहा। और मैंने उस टाइम पे काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया अप टू अप्रैल 2021 तक। और 2021 में जो इसका प्राइस था वो 155 हिट किया। अब ये तो बात रही XRP की। अब इनके अलावा कुछ छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं जिनको सम अप करके एक अच्छी सी स्टोरी तैयार हो। फ्रेंड्स, फेब 2018 के अराउंड BitBNS ने फ्लैश सेल निकाली क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें मैंने 3-4 बार प्रॉफिट अर्न किया। मतलब मैंने एवरी टाइम 500 रुपीज इन्वेस्ट किए और अपने अमाउंट को डबल किया। इन मार्च 2018 सम रैंडम पर्सन इन क्रिप्टो ग्रुप स्कैम्ड मी फॉर 1,000 USD ओवर बिटकॉइन। मई 2018 में एक नया एक्सचेंज आया वजीर एक्स, जिसमें मैंने साइन अप किया तो मुझे 100 WRX फ्री एयर ड्रॉप्स में मिले और साथ में मैंने रेफर भी किया अपने फ्रेंड्स को तो उसमें मुझे 1,150 WRX मिले, जिसकी मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट 1,25 लाख रुपए के आसपास है। जून 2018 के अराउंड RBI ने बैंक को डिपॉजिट विड्रॉल के लिए सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो उस टाइम पे एक नई चीज़ का जन्म हुआ जिसका नाम था पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन।
जिसमें बिट बीएनएस एंड वजीर एक्स दोनों ने ऑप्शन दिए। फ्रेंड्स, अगस्त 2018 में मैंने फॉरेन एक्सचेंज बाइनेंस पे अपना अकाउंट ओपन किया और काफ़ी लोगों को रेफ़र भी किया। इसमें हमें जो हमारे रेफरल्स होते हैं उनकी कमीशन, उनकी ट्रेडिंग का 50% मिलता है। तो मैंने जिन लोगों को रेफ़र किया वो लोग रेगुलर ट्रेडर्स हैं और वो रोज़ ट्रेड लेते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न हो जाता है। अगर 3 ईयर्स की एवरेज लगाएं तो ये 150 USD पर मंथ के हिसाब से बैठता है, और अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो ये 10 से 11 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकम बनती है मेरी। साल 2018 का एंड क्रिप्टो करेंसी की गिरावट के साथ ही ख़त्म हुआ। उस टाइम पे जो BTC था वो 4-5 हज़ार USD की रेंज में था। साल 2019 से फेब 2020 तक कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि डिपॉजिट एंड विड्रोल्स तो बैंकों ने बंद कर ही रखे थे, और जो पीयर टू पीयर था उसमें काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी, फीस पे करनी पड़ती थी, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा तो नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, मार्च 2020 में जब RBI की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी, तो उस टाइम बिट बीएनएस पे 1 वीक तक हमें पीयर टू पीयर डिपॉजिट में 6 से 8% की टिप मिल रही थी। तो उस टाइम पे मैंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 36 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अर्न किया विद इन 6 डेज। उसके अलावा बिट बीएनएस ने भी अपने बीएनएस टोकन का प्री सेल पीरियड में डिस्काउंटेड रेट पे फ्लैश सेल निकाल रखी थी उस टाइम पे, जिस पे मैंने 6 हज़ार इन्वेस्ट करके उसको भी लगभग 4 गुना करके सेल कर दिया था। और जून 2020 में बिट बीएनएस का USDT बेस्ड फिक्स डिपॉजिट स्कीम निकाली उन्होंने, और उस पे भी जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते थे उसका जो हमें इंटरेस्ट मिलता था वो लगभग बैंक के इंटरेस्ट से 4 गुना था, जिसमें मैंने 2.25 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे और जिस पे मैंने बैंक के इंटरेस्ट का लगभग 4 गुना प्रॉफिट अर्न किया। नवंबर 2020 में मुझे 40 हज़ार का लॉस भी हुआ। ये लॉस हुआ कैसे? जब मैंने बाइनेंस फ्यूचर ट्रेड में BTC का शॉर्ट सेल कर दिया, तो BTC का जो प्राइस था वो एकदम लाइफ टाइम हाई हो गया, जिसकी वजह से मेरी ऑटोमेटिक लिक्विडेट हो गया मेरा सारा का सारा अमाउंट। ओवरऑल 2020 का जो एंड है वो ओवरऑल प्रॉफिट के साथ हुआ, बट कह सकते हैं कि थोड़ा सा लॉस भी हुआ। हालांकि एयर ड्रॉप से मैंने ज़्यादा बेनिफिट नहीं लिया। एयर ड्रॉप से मैंने काफ़ी लोगों को लाखों रुपए कमाते हुए देखा है, पर मैं इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाई। मैंने इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट लिया, पर अक्टूबर 2021 से मैंने एयर ड्रॉप्स पे भी फोकस करना शुरू कर दिया, और अब लगभग 4 महीने से मैं एयर ड्रॉप्स भी ले रही हूँ। किसी की पेमेंट जल्दी आ रही है और किसी की पेमेंट लेट आ रही है। फ्रेंड्स, एयर ड्रॉप की स्टोरी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूंगी, जब मैं एयर ड्रॉप से काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर लूंगी उसके बाद। फ्रेंड्स, पिछले 4 साल से मैंने USDT एंड INR के पेयर में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, क्योंकि ये जो है 76 से 82 रुपीज़ के बीच में घूम रहा है, और अगर मैं प्रॉफिट अर्न करने की बात करूं तो इसने लगभग 400 से 500 रुपये की मूवमेंट दी है, तो मैंने अपने पैसे को लगभग इसमें 3 गुना किया है। फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 में मेरे साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हुआ। मैंने वजीर एक्स ने जो सैंड कॉइन का एयर ड्रॉप निकाला था उसमें मैंने 48 लोगों को रेफर किया, उनकी सैंड कॉइन में ट्रेडिंग भी कराई, पर कंपनी ने बाद में अपनी स्कीम चेंज कर दी। मैंने 48 लोगों को रेफर किया था, जिसमें से 44 कैंडिडेट्स की पेमेंट नहीं आई और सिर्फ 4 लोगों की ही पेमेंट आई। इसी वजह से मुझे काफी बुरा लगा, क्योंकि एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से 2 लाख का इम्पैक्ट पड़ रहा था, जो कि 44 लोगों में बंटना था। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा था कि जो हम पेमेंट देंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे देंगे, पर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ड्रॉ के बेस पे देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी तो मेरा 1 सोर्स ऑफ इनकम है, और सोर्सेस के बारे में मैं आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करूंगी। दिसंबर 2021 से अब तक मैंने कुछ पोंजी स्कीम्स में भी इन्वेस्ट किया, जैसे कि बुल ट्रेड, सीजन स्टाइल, अली एक्सप्रेस, 777 777। इनमें मैंने लगभग 100 USD लगाकर अपने पैसे को 7x करा है अभी तक, जिसमें से सीजन स्टाइल मेरा 100 USD लेकर भाग भी गई है। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी की जर्नी का सम अप करूं तो मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो मुझे काफ़ी डीपली रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा।
पर एक टेंटेटिव अमाउंट लेके चलूं तो मैंने क्रिप्टो करेंसी से इतना अर्न किया है कि एक स्कोडा ऑक्टिविया गाड़ी बड़े आराम से ली जा सकती है। बाकी आगे की जर्नी मैं कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, लर्न एंड अर्न, बिल्ड योर स्किल्स एंड नॉलेज। गुड बाय, टेक केयर।